मैं सरफराज सैफी बंगाल में मौजूद हूँ, बंगाल की धरती से लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा भी कर रहा हूँ। ममता दीदी के सिलेबस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सवाल खड़े किए हैं उस सिलेबस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं सरफराज सैफी आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर में आए और ममता दीदी की पाठशाला पर कई सवाल खड़े किए, कई तीखे हमले बोले। आखिर क्या है ये हमले, क्या है ये सवाल, हम आपको दिखाते हैं। कोई भी काम उसमें कटमनी लिया जाता है, नौकरी में भी कटमनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या देवी सर्वभूतेषु मत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। बंगाल में निर्ममता की पाठशाला का पाठ्यक्रम क्या है? दीदी पाठशाला दे सिलेबस हो छे तोलाबाजी। दीदी की किताब में कटबनी भाइपो का नियम क्या है? दीदी पाठशाला दे सिलेबस हो छे कटमनी। टीएमसी के शासन में जारी तुष्टिकरण का खेला क्या है? ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। बंगाल में कटबनी कल्चर क्यों पनपा? तोलाबाजी का जाल क्यों फैला? भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का तंत्र कैसे विकसित हुआ? क्या इसके लिए दीदी ने बंगाल में कुशासन की पाठशाला खोली है? क्या ममता सरकार के सिलेबस में ही छल कपट और धोखा है? अब पढ़ाई कमाई खड़गपुर में आज पीएम मोदी ने निर्ममता की जिस पाठशाला का जिक्र किया, 10 साल के कुशासन काल के जिस सिलेबस का कच्चा चिट्ठा खोला, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल बंगाल और विकास के बीच खड़ी दीवार को लेकर है, सवाल बंगाल में फैले भ्रष्ट तंत्र को लेकर है। आज हम आपको दीदी की पाठशाला का पूरा सिलेबस बताएंगे और कटमनी कल्चर का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने दीदी के सिलेबस पर क्या कहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह दीदी पाठशाला ते सिलेबस हो छे तोलाबाजी। दीदी पाठशाला ते सिलेबस हो छे कटमनी। दीदी पाठशाला ते सिलेबस हो छे सिंडिकेट। आइए अब आपको दीदी की पाठशाला का पूरा पाठ्यक्रम समझाते हैं। इसके चैप्टर हैं तुष्टिकरण, कटमनी, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, गुंडागर्दी, राजनीतिक हत्याएं, तस्करी, कुशासन। एक टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते, और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। बंगाल में सिंगल विंडो है, भाईपो विंडो। आज भ्रष्टाचार की हो गई है, अंतिम संस्कार के लिए भी कटमनी देना पड़ रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण करते रहना, यही इनका खेल चला। पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप यूं ही नहीं लगाते हैं। ममता ने बंगाल में कैसे तुष्टिकरण से सत्ता का समीकरण बिठाया है, ये आप खुद देख लीजिए। मुस्लिम वोट की खातिर दुर्गा मूर्ति का विसर्जन रोक देती हैं और मुहर्रम के जुलूस को खुली छूट दे देती हैं। मस्जिदों के इमामों को 2,500 रुपए महीना भत्ता देती हैं। मदरसों में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों को साइकिल देती हैं। मुस्लिम बहुल जिलों में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देती हैं। मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण का लाभ देती हैं। हिंदू जातियों के साथ धोखा करती हैं। जय श्री राम से चिढ़ जाती हैं और मजार मदरसा जाकर वक्त बिताती हैं। चुनावी रैलियों में कलमा पढ़ती हैं और चंडी पाठ करती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या देवी सर्वभूतेषु मत्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमो। दीदी के सिलेबस का दूसरा चैप्टर है कटबनी। बंगाल में टीएमसी राज में कटबनी एक कल्चर बन चुका है। कोई भी सरकारी काम करवाना हो, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, तो कटबनी देनी ही होगी। यहाँ हर काम और योजना का रेट तय है। बंगाल में अगर कटबनी नहीं दोगे तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शौचालय बनवाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए तो 2,000 कटबनी दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर चाहिए तो कटबनी दो। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो तो कटबनी दो। कोई भी काम उसमें कटमनी लिया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट में 200 रुपया का कटमनी लेते हैं यहाँ का काउंसिलर लोग। यहाँ का काउंसिलर लोग गरीबों के लिए अगर शौचालय बनाते हैं, वहाँ अगर 10,000 का शौचालय है तो 5,000 2,000 4,000 मांगते हैं। दीदी की पाठशाला के पाठ्यक्रम में भ्रष्टाचार तो सबसे अहम चैप्टर है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट तंत्र का ऐसा जाल बिछाया है कि हर तरफ लूट मार मची है। कोयला खदानों से अवैध खनन केस में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी और साली तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। शारदा चिट फंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता घोटाले में फंसे हैं। बंगाल में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। अवैध तस्करी के मामले में भी अभिषेक बैनर्जी निशाने पर है। एक तरफ देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम इसलिए ताकि कारोबारी को, उद्यमी को यहां वहां भटकना ना पड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में सिंगल विंडो है, बाइपो विंडो। तोलाबाजी भी दीदी के सिलेबस का अहम चैप्टर है। तोलाबाजी मतलब कम तोलना, यानी चोरी करना। ममता बनर्जी ने आज खुद बताया कि तोलाबाजी क्या होती है। टाका छोड़ा दे मोने रखबेन, टाका छोड़ा ले बुझबेन, ओटा अपना टाका, ओटा जनगणेर ट्याक्सेर टाका, ओटा बीजेपीर टाका नय। जनगणके धोखा दिए, जनगणके बोका बानिए लक्ष लक्ष कोटि टाकार मालिक हुए আজকে তৃণমূলকে তোলাবাজ বলছে, ধান্দাবাজ, কোটি কোটি টাকার তোলাবাজ। বিজেপি পার্টি এত বড় তোলাবাজ পার্টি সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। दीदी की सियासी किताब का अहम चैप्टर है गुंडागर्दी और राजनीतिक हत्याएं। बंगाल में ममता सरकार में ऐसा गुंडा तंत्र विकसित हुआ है कि लाठी और बम बंदूक के दम पर सत्ता हथियाने का खेल जारी है। बंगाल में साल 2018 के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। सत्ता के लिए सैकड़ों लोगों की जान ले ली गई। टीएमसी के गुंडों को एक खौफ से एक तिहाई सीटों पर विपक्षी उम्मीदवार खड़े ही नहीं हुए। 2019 से लेकर अब तक 130 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी जानलेवा हमला किया गया था। अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। टीएमसी राज में बंगाल कुशासन की मार झेलने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन सत्ता के अराजक तंत्र और टीएमसी के गुंडा तंत्रों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। हर रोज गुंडागर्दी होती है, बम बंदूक से हमले होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। पीएम मोदी ने दीदी के कुशासन पर जोरदार हमला बोला है। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया, आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। बंगाल में ममता दीदी इसी सियासी पाठ्यक्रम के भरोसे सत्ता का खेला खेल रही हैं। उनके भ्रष्ट तंत्र और चुनावी षड्यंत्र से आम आदमी त्रस्त हो चुका है। यही वजह है कि परिवर्तन की आवाज बुलंद है। श्री राम, श्री राम की गूंज है। और सत्ता बचाने के लिए दीदी मंदिर मंदिर घूम रही हैं, दुर्गा पाठ और कलमा पाठ एक साथ कर रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु मत्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमो नमो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।